गोल्डन समिति के द्वारा जो पंडाल बनाई गई, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये श्रीलंका के जो शिव मंदिर है उसके थीम पे यहाँ पे पंडाल बनाई गई है, और आप हर एक गली को यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाई गई है। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हमारी मौजूदगी है गया का गोल बगीचा मुरारपुर देवी स्थान, जहाँ मेरे पीछे देख रहे हो कि बहुत ज्यादा भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है, और इस जो समिति है गोल्डन क्लब के द्वारा यहाँ पे जो ये पंडाल बनाया गया है, और बहुत ही ज्यादा विचित्र यहाँ पे पंडाल इस वर्ष बनाया गया है। जो आप देख रहे होंगे बहुत ही विशाल टाइप का यहाँ पे पंडाल बनाई गई है, जो इसमें प्रतिमा भी बनाए गए हैं, अद्भुत इस वर्ष प्रतिमा बनाई गई है। तो चलिए आपको जो यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, जो यहाँ पे पंडाल बनाई गई, सभी को दर्शन करवाते हैं। मेरे वीडियो में कंटिन्यू बना रहिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गोल बगीचा का जो मुरारपुर देवी स्थान का है, जो बहुत ज्यादा इस वर्ष भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, जो बहुत ही विचित्र पंडाल बनाया गया है, जिसका संयोगकर्ता है गोल्डन क्लब समिति के द्वारा ये पंडाल को निर्मित किया गया है, जो बहुत ज्यादा भव्य विचित्र है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति है, जो सरस्वती माँ की मूर्ति भी इसमें विराजमान रहेंगे, सबको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाथी का जो मोड़ी होता है, उस चीज का यहाँ पे वर्णित किया गया है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको गोल गुंबज टाइप का दिख रहा होगा, उसमें शंकर भगवान का शिवलिंग भी इसमें विराजमान है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से कारीगरी इस पंडाल में की गई है, जो बहुत ही खूबसूरत पंडाल देखने में लग रही है। और देख सकते हैं पंडाल का जो यहाँ पे कलर है, गोल्डन कलर का बनाया गया है, और जिस पंडाल का जो यहाँ पे जो कर्ताएं भी है, वो गोल्डन क्लब समिति के द्वारा इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पंडाल में जो यहाँ पे नकाशी की गई, कितना ही ज्यादा गजब तरीका का नकाशी इसमें की गई है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो इसमें हर एक चीज आप देखेंगे तो बहुत ही बारीकी चीज इसमें गढ़ी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ही ज्यादा यहाँ पे अच्छी मूर्तियां यहाँ पे बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें दुर्गा माँ की मूर्तियां को भी बनाया गया है, और गणेश भगवान की प्रतिमा को भी इसमें सनोया गया है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो दुर्गा माँ साक्षात यहाँ पे शेर पे आपको विराजमान यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से महिषासुर का यहाँ पे वध किए थे, वो सभी चीजों को यहाँ पे स्टैचू के द्वारा यहाँ पे निर्मित करके दिखाया गया है। किस रंग में इसको बनाया जा रहा है? इसको पथरीला टाइप का बनाया जा रहा है, जो बैकग्राउंड में भी जो है ना, ये पत्थर का चट्टान पूरा बनेगा, और बनते हुए देखिये नीचे भी बना हुआ चट्टान, और इसी से मूर्ति समझिए कि बना हुआ है जी। तो बैक में जितना बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे मतलब पहाड़ टाइप का सीन होने वाला है। जी जी जी, मूर्तियाँ का रंग यही रहेगा? जी हाँ, पथरीला टाइप का, एकदम बर्फीली टाइप का रहेगा मूर्ति यहाँ पे। हाँ, जैसे संगमरमर पत्थर का होता है ना, उस टाइप का। अच्छा, संगमरमर पत्थर का रूप में सारा मूर्तियाँ, सारा मूर्तियाँ, और ये पहाड़ भी उसी कलर में रहेगा। समिति के जो कमेटी है अभी हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार। आप अपना नाम बताइए। नीरज कुमार। कब से यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है, पंडाल का जो काम है कब से स्टार्ट कर दिया गया था? इसका पहले से ये 3 महीना पहले से इसका काम चल रहा है। इसका 3 महीना पहले से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, ये कौन सा मंदिर का थीम पे बनाया गया? श्रीलंका का, श्रीलंका धाम का कहीं मंदिर का, ये जो कलाकार हम लोग को दिखाया था उसी स्तर पे वो बनाया है। शिव मंदिर का टाइप का यहाँ पे जो पंडाल बनाया गया है, इसका लागत क्या होने वाला है सर इस वर्ष का? इसका लागत 7 से 8 लाख रुपए जा रहा है। ऐसा जो यहाँ पे जैसे गोल बगीचा का जो मुरारपुर देवी स्थान है, कभी और ऐसा भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया गया था क्या? 1967 से बनते आ रहा, और हर साल अच्छे होते गया, अच्छा बनते भी गया। इस वर्ष कुछ खास देखने को मिलेगा दर्शक को? हाँ बिल्कुल। तो जो मूर्ति यहाँ पे देख रहे हैं, अभी आपको काम यहाँ पे बाकी है, कब से मूर्ति मतलब जैसे दर्शन करने के लोग यहाँ पे आ सकते हैं? सप्तमी से इनका पट खुलेगा, सप्तमी के बाद यहाँ दर्शन होना शुरू हो जाएगा। सप्तमी से यहाँ पे दर्शन होना, कब तक यहाँ पे मूर्ति विराजमान रहेगी, कब तक लोग दर्शन कर पाएंगे? 81 के दिन विजयदशमी के बिहानियों का। तो दोस्तों जो गोल बगीचा का जो पंडाल है मुरारपुर देवी स्थान का, देख सकते हैं कितना ज्यादा भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइटिंग भी जो लगाई है, पूरी गली को यहाँ पे सजाया गया है, पूरी जो गली यहाँ पे देख रहे हैं दुल्हन की तरह यहाँ पे पूरा गली को सजाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा आकर्षित इस वर्ष होने वाला है। और जो आप यहाँ पे लाइटिंग जब रात में देखेंगे तो टिमटिमाते हुए लाइटिंग जब यहाँ पे देखेंगे तो पंडाल की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएगी। तो आप आकर के यहाँ पे जो मुरारपुर देवी स्थान के समीप जो यहाँ पे पंडाल बनाया गया, दर्शन कर सकते हैं। जो श्रीलंका के मंदिर के थीम पे ये पंडाल बनाया गया है,
ये श्रीलंका में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रीलंका के शिव मंदिर के यहाँ पे थीम पे पंडाल बनाई गई है गोल्डन क्लब समिति के द्वारा, ये गोल बगीचा में बनाई गई है जो बहुत ज्यादा आकर्षित और भव्य यहाँ पे विचित्र पंडाल बनाया गया है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा ये पसंद पड़ा था, आप सभी को हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा पसंद पड़ेगा, तो आप आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे मूर्ति ही बनाई जा रही है जो बहुत ही भव्य दिव्य यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है, मूर्ति की संख्या टोटल 10 होने वाली है। तो और यहाँ पे लाइटिंग भी आप देख रहे होंगे, जो लाइटिंग बहुत गजब तरीका का यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। तो आप रात में यहाँ पे आते हैं, लाइटिंग का यहाँ पे टिमटिमाते हुए लाइटिंग देखेंगे तो पंडाल की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको बेहद ही पसंद पड़ा होगा। अगर ये वीडियो पसंद पड़ा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।